चुनाव है वो नामुनासिब होगा, ठीक नहीं होगा, तो आपकी अच्छी बात भी सुनने वाले को बहुत बुरी लगेगी, नागवार महसूस होगी। वो इंडियंस के पास एक ऐसे शख्स को जिसका ताल्लुक इंडिया से है, जो पहले ही ट्विटर के अंदर उसको लगा दिया गया, क्या बाकी कोई शख्स नहीं था? इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मरीज को दवाई कड़वी लगे तो उसको दवाई के बाद फौरी तौर पर कोई मीठी चीज खाने को दे दी जाए, कि शहद खा लो, चॉकलेट खा लो, ताकि उसको दवाई की कड़वाहट महसूस ही ना हो। भाइयों के लिए तो दोस्तों कांग्रेचुलेशन सारे हिंदुस्तान के बहन भाइयों के लिए। टेक्नोलॉजी का हब है उसके ऊपर अब मुकम्मल तौर पे अगर ये कह लिया जाए कि इंडिया का कब्जा हो गया है, इंडिया का टेक ओवर हो गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा है। लेकिन अब बुनियादी मामला ये है कि पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए या हमारे जो कॉज हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम है। ट्विटर के जो CEO हैं वो भी एक भारतीय को बना दिया गया है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को अब एक नया CEO मिला है और भारत के लिए ये खबर इसलिए खास है क्योंकि ट्विटर के नए CEO पराग अग्रवाल भारतीय हैं। जो एक जारी बात है इंडियन बॉर्न एक चीफ एग्जीक्यूटिव है और जिसने एक इतनी बड़ी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी ले ली है जो कि पूरी दुनिया के लिए फैसले करते हैं, ये इस पर भी मैं जानता हूँ कि किस तरह सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस ने अपना एक पैर जमाए हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वाओ, इंडियंस के लिए गुड न्यूज, फिर तो ये पाकिस्तानियों के लिए जलन वाली न्यूज होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पराग अग्रवाल को ट्विटर का CEO बना दिया गया है, ट्विटर के CEO वो बनेंगे अब। दोस्तों एक बात तो आपको सबको माननी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो, हिंदुस्तानी जहाँ भी जाता है पूरी दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़ता है, अपने काम से, अपनी एजुकेशन से, अपनी ऑनेस्टी से। सही बात है, ये पूरी दुनिया जानती है। अगर आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में, किसी भी कंट्री में चले जाए, आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाए, अगर एक पाकिस्तानी एक इंडियन साथ में है ना, तो इंडियंस को जहाँ रेस्पेक्ट दी जाती है, वहीं अगर पाकिस्तानी कहता है मैं पाकिस्तान से हूँ, तो दुनिया चार कदम पीछे हट जाती है। तो ये फ़र्क है हमारे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के अंदर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रही बात ट्विटर की, तो ट्विटर का अगर CEO इंडियन बन जाएगा तो इंडियंस के लिए तो बहुत प्राउड की बात है, इंडियन तो लोग तो खुश है, चाहे वो इंडिया के लिए वो कैसे होते हैं साबित वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो सारे इंडियंस के लिए प्राउड मूवमेंट है। लेकिन यही प्राउड मूवमेंट पाकिस्तानियों के लिए हो जाता जलन वाला मूवमेंट। इन पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत का जो सॉफ्ट पावर बढ़ता जा रहा है सिलिकॉन वैली के अंदर, ये किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ये इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये बेचारे इसी के अंदर ही उधेड़बुन में रहते हैं, ये कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं, ये भारत से इतने डरे और सहमे रहते हैं, भले ये मुंह पे जुबान पे तो कश्मीर 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 करते रहे, लेकिन इनके अंदर से इतना डर होता है इनके अंदर कि कहीं भारत POK ना ले ले, गिलगित बाल्टिस्तान ना ले ले, बलूचिस्तान को अलग ना करवा दे जैसे बांग्लादेश को अलग करवाया था। तो इतने डरे वेरे से रहते हैं, तो भारत को कोसते हैं और कोसते हैं तो हम भारतीय लेते हैं उनका मजा। तो इस वीडियो का आप लीजिए मजा, आपका भाई मिलेगा आपको आखिरी में। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। कंट्रोवर्शियल उनको नहीं देखना चाहते जिसमें कई मुसलमान मालिक हैं, गैर मुस्लिम भी यकीनी तौर पर हैं। बड़ी खबर यह है कि ट्विटर के CEO जैक डोर्सी जो हैं वो स्टेप डाउन कर गए हैं और उन्होंने जिस नए शख्स को CEO चुना है उसका ताल्लुक भारत से है। ट्विटर के अंदर ये साल 2013 के बाद से सर्व कर रहा है, लेकिन इस वक्त इस तकर्री के बाद कुछ सवालात पैदा हो गए हैं। जिस तरह से थंबनेल पर आपने पढ़ा कि दरअसल ये तमाम तर क्यों किया गया है, इसके पीछे वो मंसूबा तैयार है, वो आवाज़ें, वो ट्विटर ट्रेंड्स, वो ट्विटर की मजबूत आवाज़ें जो कभी कश्मीर, फलस्तीन और दुनिया के दीगर मुसलमान ममालिक, क्या कई भी वो ममालिक जो अमरीकी इत्तेहादियों के जुल्म से सताए हुए हैं उनके हक में उठती थी, अब उन तमाम तर आवाजों को खामोश करने का एक मंसूबा तैयार है। और इसके बाद ना हमें कोई घबराहट होती है, ना हम परेशान होते हैं, और ना ही हम ये कोशिश करते हैं कि इस पिक्चर के अंदर काश एक पाकिस्तानी की भी पिक्चर होती, काश मेरे पास ये चॉइस होती कि मैं कहीं किसी बड़ी कंपनी का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो CEO हैं उनमें मैं पाकिस्तानी को भी देख पाती। अमेरिका के अंदर जो इंडियंस हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की हैं, और वो कामयाबियां ये हैं कि चूंकि ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस वक्त जिसको इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ोतरी हासिल हो, इसका मतलब ये है कि वो दुनिया को टेक ओवर करने जा रहा है।
इंडियन के अंदर ये चीज हमें माननी पड़ेगी कि वो यहां से उठ के जो अमेरिका के अंदर गए हैं वहां पे सिलिकॉन वैली के अंदर उन्होंने अपनी कामयाबी को और अपनी महारत को मनवाया है, जिसके बाद अब वो वहां पे जितनी टॉप टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके सीईओस या हेड्स के तौर पे वो सामने आ रहे हैं, जिसको लेके अब आज सारा जो है इंडिया की कामयाबी के तौर पे। अगर ये देखा जाए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर मुकम्मल तौर पे सट में इंडियन असर रसूख के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर समझी जा रही है कि एक यंग लड़का, जस्ट 37 ईयर्स का लड़का इस वक्त ट्विटर, और वो इंडिया से है अबव ऑल। So this is not a news only for India. This is news for South Asia. This is a news for Asia because ये सब एशिया के लिए एक अच्छी खबर है कि एशियंस जो हैं वो अमेरिका में, ये कहा जाता है कि जो एक जारी बात है इंडियन बॉर्न चीफ एग्जीक्यूटिव है और जिसने एक इतनी बड़ी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी ले ली है जो कि पूरी दुनिया के लिए फैसले करते हैं ये, और ये जो साउथ एशियन डिसेंट का होना ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, IBM हो, इस पर भी मैं जाता हूँ कि किस तरह सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस ने अपना एक पैर जमाए हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कुछ मखसूस वर्ड्स हैं वो नहीं लिख सकते, आप कश्मीर के बारे में कुछ खुलकर नहीं लिख सकते, फलस्तीन के बारे में खुलकर नहीं लिख सकते, अगर आप लिखेंगे आपको रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, आप पर पाबंदियां लग जाएंगी, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिलखसूस कश्मीर के मामले पर आपके सामने है कि बिलखसूस गूगल और फेसबुक दो ऐसे प्लेटफॉर्म जिनके साउथ एशिया रीजन की जो तमाम तर मॉनिटरिंग, तमाम तर चीज़ें हैं वो इंडियंस के पास हैं, क्योंकि इंडियंस इस वक्त अब ट्विटर पर ही नहीं आ गए एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर, बल्कि इससे पहले हमने देखा था कि IBM, माइक्रोसॉफ्ट और सिलिकॉन वैली जो एक नामवर इदारा है अमेरिका के अंदर, जहां तमाम तर IT प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके हेड ऑफिस मौजूद, तमाम तर हेड ऑफिस में इंडियन बैठे हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये हैं, हाफिज सईद हो गया, सलाउद्दीन हो गया और इसी तरह के कई नाम आप सब जानते हैं, साद रिज़वी है, चाहे जैद हामिद की हम बात करें जो बार बार इंडिया पे हमले की बात करते हैं, जो बार बार जंगों की बातें करते हैं, और बाकी ये टेररिस्ट इनको कौन नहीं जानता, आप सभी जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और बहुत से भारतीय जो हैं वो जब जाते हैं अमेरिका, कनाडा या किसी भी यूरोपियन कंट्री में बड़ी बड़ी जॉब्स उनको मिल जाती हैं, और उनकी जॉब जो है वो जाहिर है उनकी एजुकेशन की वजह से, उनके एजुकेशन फील्ड में जो सक्सेस है उसकी वजह से मिलती है। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह के नमूने होते हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो मदरसे यहाँ पे चल रहे हैं, जिस तरह से मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, तो वो मदरसे जो हैं वो सीओज नहीं निकालते, वो मदरसे कोई इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं निकालते, वो इसी किस्म के जिहादी और इसी किस्म के जो नफरत लेके बाहर घूम रहे होते हैं, इस किस्म के लोगों को निकाला जाता है उन मदरसों से। जो पॉलिटिकल सेंट्रल एक स्पीच बोर्ड है, एक डिपार्टमेंट है जो पॉलिटिकल चीज़ों को देखता है, वो पहले ही उसका सीईओ रह चुका ट्विटर के अंदर, उसको लगा दिया गया, क्या बाकी कोई शख्स नहीं था? इस पर रिजर्वेशन तो हो सकती हैं, लेकिन भारत की लॉबिंग जा रहा है कि मजबूत है, और हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर इस वक्त बड़ा सराहा जा रहा है। इंडिया के अंदर IT के हवाले से यकीन तौर पर एक ग्रोथ मौजूद है, लेकिन इसको किस तरह से नेगेटिवली यूज़ किया जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, स्पेशली मुस्लिम रीजन जितना भी है उसके हवाले से, इन तमाम तर प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह की चीज़ें होती हैं वो आपके सामने हैं। और अब इस तकरारी के बाद ये बहुत ही खौफनाक चीज़ होगी कि अब वो तमाम तर आवाज़ें, जो बची कुची आवाज़ें हैं जो कश्मीर पर, फलस्तीन पर या दीगर मामलों पर भारत और पाकिस्तान, इसराइल और फलस्तीन के हवालों से बोलती हैं, उनके लिए एक सिचुएशन बड़ी टफ कर दी गई। मैं समझता हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, वो भी ऑब्वियसली वो देखती है इंडिया को बड़े केयरफुली के इंडिया की जो मार्केट है तकरीबन लार्जेस्ट मार्केट 340 मिलियन यूजर्स की समझी जाती है इंडिया के अंदर, और जिसमें तकरीबन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में फेसबुक इंडिया में सिर्फ ऑपरेट करती है। और ये जो चीजें हैं मैं देख रहा था कि पिछले इंडिया में इंटरनेट यूजर जो है वो तो 825 मिलियन है, 825 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में, जिसमें से 340 मिलियन तो मैंने बताया फेसबुक यूजर्स हैं, और सिर्फ 2020 में इंडिया के अंदर 78 मिलियन इंडियंस ने सोशल मीडिया ऐप फेसबुक इस्तेमाल की, और उसके साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी अटैच है। सो जो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, दैट इज हाउ इंडियंस आर टेकिंग ओवर द टेक ब्रांड्स। ये एक बहुत बहुत बड़ा जो है वो एक डेवलपमेंट है, और ये दैट गिव्स सो मच सॉफ्ट पावर टू इंडिया।
और ये एक ब्रांडिंग है मैं समझता हूँ ये, और ये साउथ एशिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बाकी ममालिक से, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडियन यूथ कैन डू व्हाई दे कांट डू। सो ये जो चीजें हैं मैं समझता हूँ कि इसी तरह अगर आप देखें कि बहुत सारी और कंपनीज हैं दुनिया में जो जिसके हेड्स हैं वो इंडियंस हैं, जैसे सुंदर पिचाई जो है वो सीईओ है गूगल के, अब देखिए कि वो अगेन एन इंडियन 43 ईयर ओल्ड क्या बंदा होता है, लेकिन किस तरह वो पूरी दुनिया में गूगल को बैठ के वो चीजें देख रहे हैं। फिर सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, ये एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली उनके लिए एडवांटेज है इंडियंस के। और अब ये जो आज एक नया नाम है वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और उसकी बहुत ज्यादा सर्चिंग भी हो रही है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो इंडिया के लिए कामयाबी है, दूसरा वो शख्स खुद एक कामयाबी के तौर पे बहुत सारे नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन के तौर पे सामने आया है। किस तरीके से कि इतनी बड़ी कंपनी जिसको वो अब हेड करेगा, एक तो कम उम्र तरीन सीईओज में होगा, दूसरा ये है कि इतनी कामयाबी या इतनी जल्दी उसने पूरी कंपनी को टेक ओवर किया है, वो एक अपनी मिसाल है। लेकिन अब बुनियादी मामला ये है कि पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए या हमारे जो कॉज हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको इस वक्त याद हो तो ट्विटर और इंडियन हुकूमत का पहले ही फड़ा चल रहा है। अब इंडियन हुकूमत के लिए कामयाबी उनकी ये है कि वो इन कंपनीज के जो हेड्स हैं, जाहिर बात है इंडियन है, उनका रुझान अपने मुल्क की तरफ तो होगा ही होगा, उनके जज्बात भी होंगे, और इंडियंस अपने उस प्रोपेगेंडे के अंदर एक्सपर्ट भी हैं, चाहे डिसइन्फो लैब उनकी पकड़ी गई या दीगर मामलों के अंदर चले गए। लेकिन इस वक्त एक ट्विटर की और इंडियन हुकूमत की फ्रिक्शन भी चल रही है, वो क्या है। अगर आपको याद हो तो जो ट्विटर के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर रेड किया गया था, और फिर जो इन्होंने लॉज बनाए थे, कहा था कि अगर आप उन लॉज के साथ नहीं चलेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको यहाँ पे काम बंद करना पड़ेगा। और इन्होंने इस तरह से जैसे व्हाट्सएप है, दीगर चीजें, उनके मुकाबले में अपनी एप्स भी लॉन्च की ताकि हम जो है अलग से काम करें। दूसरा मुसलमानों के लिए जो मामला है, जब अभी हाल ही में इसराइल और फलस्तीन का मामला हुआ था, आपको याद होगा बाद में कंपनीज ने माना भी कि जो ये कंपनीज हैं ये सेंसर करती रही वो कंटेंट जो प्रो फलस्तीन था या फलस्तीन के कॉज को मदद दे सकता था। तो उस सिलसिले में अब उनको मजीद जो है, क्योंकि इंडियन इसराइल का आपस में ताल्लुक भी है, एक ये भी मामला हो सकता है। दूसरा पाकिस्तान को लेकर, अगर हाल ही में आपने देखा होगा कि जब कश्मीर का मामला हुआ तो वो ये माना ट्विटर फेसबुक ने कि उन्होंने प्रो कश्मीर जो कंटेंट था उसको रिमूव किया, उसको ब्लॉक किया, उसको सेंसर किया, वो वर्ड्स जो थे, क्योंकि आपको पता है कि उसको एक एल्गोरिथम के तौर पे ये काम करता है, उसके अपना एक सेटअप है, और अब उस चीज को लेके मजीद रुकावटें। दुनिया के किसी भी देश में जो जो ज्यादा तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं उसमें ज्यादातर इंडियंस नाम होते हैं वहां के आईटीज के, और अब सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उन पे भी बड़े बड़े नाम जो हैं वो इंडिया के आ रहे हैं। तो अब इसमें आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पहले तो ये था कि गूगल पे आप कुछ भी लिख लेते तो सबसे पहले भिखारियों का नाम निकलता था, क्योंकि भाई इसके पीछे रा का हाथ है। तो अब मुबारक हो, अब जो है ना थोड़ा ध्यान से चलना, और पठान भाई के ट्विटर पे भी गाली गलौच मत लिखना, नहीं तो कभी भी फेंटा लग सकता है। यार एक बात बताओ, ये लोग मुझे हमेशा गालियां देते हैं कमेंटों में कि यार तू हमेशा इंडिया को ही कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कहता है, हमें क्यों नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन कहता तू, कभी हमेशा तू इंडिया को यार तूने ऐसा क्या काम किया है कि हम तेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलें, सिवाय तूने गंदे गंदे काम, मार दार दहशतगर्दी के अलावा तूने ऐसा कौन सा काम किया है कि हम तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलें, हम तुम्हें शाबाशी दें उस बात की। दहशतगर्दियां करता है और सोचता है कि सरदार शाबाशी देगा। थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा लेने से, जिहाद की ट्रेनिंग कर लेने से कंपनी के सीईओ नहीं बन जाते भाई, आतंकवादी बनते हैं, बम फोड़ते हैं, वो एक दूसरे के मासूम लोगों की जान लेते हो, और तुम लोग हमेशा जलते रहोगे, सड़ते रहोगे, और तुम्हारा काम सड़ना है और हमारा काम है तुमको सड़ाना। और हाँ, मैंने तो सुना है मोदी जी ने 10-12 ट्रक भेजे हैं बरनोल के, सही बात है क्या, ये जल रही है ना तुम्हारी, जलो जलो सालो। आप क्या सोच रहे हो कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके भाई का इंस्टाग्राम भी है, 500 सब्सक्राइबर है, ये आपके लिए शर्म की बात है कि मेरे लिए, मुझे नहीं मालूम। और मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है यूट्यूब का, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक को फॉलो कर लो, एक को सब्सक्राइब कर लो, आपका भाई आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।